एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज के मीशो हॉल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल से डिजाइनर साड़ी, लहंगा, कुर्ती, ज्वेलरी एंड सभी आपकी पसंद के हैं। सभी के कोड आपने मुझे दिए थे, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी जिनका कल बर्थडे था लेकिन कल मेरी वीडियो नहीं आई। तो हैप्पी बर्थडे माही, गॉड ब्लेस यू। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 rupees का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ऐसा तभी होगा तब आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे। एंड गाइस, आज का वीडियो भी है रीसेलिंग वीडियो। सभी की प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी, रीसेलिंग प्राइस एंड मीशो प्राइस। तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप दे दूंगी। तो क्या इन 5 or 10 minutes सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी। विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी से, कुछ किस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। पहले तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। इसमें हम कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैंने इसमें पीच कलर पिक किया है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब मैं आपको ये वाली साड़ी खोल के बताती हूँ। पहले बात तो इसकी जो पैकेजिंग है आपको कुछ इस तरीके के जिप कवर में देखने को मिल जाएगी। पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर को आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फुल एम्ब्रॉयडर्ड है प्लस इस पे स्टोन वर्क किया हुआ है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी प्लस स्टोन वर्क देखने को मिलेगा। एंड ये पूरी साड़ी नेट फैब्रिक में है तो ट्रांसपेरेंट है। एंड इस पे जो स्टोन लगाए हुए हैं बहुत ही अच्छे से लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नीटली है। तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिल जाएगी। ये है इसका आँचल, एंड आँचल पे आपको चारों तरफ ये वाला बॉर्डर देखने को मिल जाएगा जिस पे स्टोन वर्क भी है प्लस एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये आँचल है पूरा इसका, इस तरीके का आपको बीच बीच में बूटे देखने को मिल जाएंगे। वर्क काफ़ी अच्छा है लेकिन इतना वर्क होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। एंड बहुत ही अच्छा सा एलिगेंट सा वर्क किया गया है, मुझे यार प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी, क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर आपको पूरी साड़ी आँचल आपको पूरा हैवी देखने को मिल जाएगा, बाकी पूरी साड़ी पर आपको ये वाला वर्क नीचे की साइड देखने को मिलेगा पूरी साड़ी पर इस तरीके से। लुक एट दिस, पूरी पीच कलर की साड़ी है, बस इतना सा जो पार्ट है वो आपको प्लेन मिलेगा जो कि आपके अंदर की साइड आ जाएगा जब आप ड्रैप करेंगे। ये इन्होंने इसमें ब्लाउज के लिए दिया है जो कि आपको अटैच देखने को मिल जाएगा। ब्लाउज का फैब्रिक पूरा 90 cm का ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है, और ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। बाकी बैक आपको पूरा आप प्लेन बनवा सकते हैं। तो इतना फैब्रिक है ब्लाउज का भी कि आप इससे आराम से 3/4 ब्लाउज तक स्टिच करवा सकते हैं। और अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी हैं तो भी आपके आराम से आ जाएगा। एक तो मैं साड़ी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें वर्क काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आप इसको किसी भी फंक्शन वगैरह के लिए ले सकते हैं, ऐसी साड़ी आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है, शादी फंक्शन में तो पहन ही सकते हैं, वैसे भी पहन सकते हैं, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका वर्क काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो रेटिंग है मीशो पे वो भी काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा पिक करके देखती हूँ, एंड रियली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैंने अबकी बार मीशो से पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है वो है बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी हल्दी के अकॉर्डिंग लहंगे शेयर करो। ये सेलिब्रिटी स्टाइल लहंगा है, एंड ये एक रेप्लिका भी है, प्लस इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मैंने ना इस वाले सेलर से पहले भी लहंगे शेयर किए हुए थे तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी, तो मैंने सोचा ये वाला लहंगा भी पिक करके देखते हैं कैसा आता है। एंड इस तरीके के जिप कवर में देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ, कुछ इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिलेगा। एक तो कलर होता है ना, एक तो डार्क येलो, बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल लाइट येलो कलर में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी सुंदर है ये वाला लहंगा भी, आप साइड में इमेज देखना, बहुत ही प्यारा है, सेम टू सेम वैसा ही लहंगा आपको देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। इस तरीके की आपको वेस्ट देखने को मिलेगी। मैं आपको क्लोज शॉट देती हूँ एक बार। ये जो पूरा काम किया हुआ है जरी का काम है पूरा, एंड प्लस इसके ऊपर सिल्वर कलर के सिक्वेंस लगाए हुए हैं बड़े, आपको यहाँ पे कैप्चर हो रहे होंगे कैमरे में। पूरा लहंगा आपको सेमी स्टिच मिलेगा, यानी कि एक साइड से खुला हुआ मिलेगा, जस्ट आपको इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कराना है। एंड पूरा लहंगे पे आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा, वही सेम जरी का काम देखने को मिलेगा, वही सेम आपको इस तरीके के सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है,
ये काफी अभी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि फ्रिल्स वाला, मैंने आपको पहले भी बोला है बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है ये वाला काम, अभी बहुत ज्यादा लहंगों में चल रहा है ये वाला। एंड इस तरीके की आपको छोटी छोटी नेट की फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी, प्लस ये जो कट वर्क वाला डिजाइन दिया हुआ है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक है इसका टेफेटा सिल्क में, कैनवास अंदर लगा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप कैनकैन स्कर्ट के साथ पहनेंगे तो लुक और भी ज्यादा अच्छा आएगा, और अगर आप चाहे तो कैनकैन इसमें अटैच करवा लीजिए तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे फ्लेयर इसका इनफ है एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग एक डिजाइनर लहंगा मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी वर्थ इट है, प्लस नया लुक है तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है। प्लस अगर आपकी वेडिंग है, वेडिंग के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग भी, हल्दी के अकॉर्डिंग, किसी फंक्शन में पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा लहंगा है और प्रॉपर आपको अंदर साटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। इस पे जो वर्क किया है काफी एलिगेंट किया हुआ है एंड काफी नीटली किया है। तो ये तो हो गई लहंगे की बात, इसमें आपको इस तरीके का लहंगा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ उसका ब्लाउज, जो कि काफी ज्यादा हैवी है। इन्होंने दुपट्टा बिल्कुल लाइट रखा है, बाकी लहंगा और इसका ब्लाउज है जो काफी ज्यादा हैवी रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस तरीके का आपको टेफेटा सिल्क का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये फ्रंट के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये फुल जरी का काम किया हुआ है, प्लस वो ही सिक्वेंस लगवाए हुए हैं। ये बैक के लिए इन्होंने दिया हुआ है। स्लीव बनवाना चाहते हैं तो नेट की स्लीव्स लगवा लीजिए, या फिर इस तरीके का टेफेटा सिल्क का फैब्रिक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा तो आप लगवा सकते हैं। वैसे ये ब्लाउज है 90 सेंटीमीटर, जो कि आपकी एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाएगा नेट फैब्रिक में, येलो कलर का दुपट्टा है, कुछ भी नहीं है दुपट्टे में, 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलेगा। लेकिन आप ये चीज देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी चारों तरफ बॉर्डर में फ्रिल्स लगाई हुई है। फुल लुक आप साइड में देख लेना, काफी ज्यादा अच्छा है। सभी की मीशो प्राइस, रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप ध्यान रखना। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए। एंड इस तरीके की आपको फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा सा एक डिजाइनर दुपट्टा है। एंड बहुत अच्छे लगते हैं यार इस तरीके के दुपट्टे, काफी ज्यादा ट्रेंडी है एंड स्टाइलिश लगते हैं लगाने के बाद। सेम कलर से मैंने एक और लहंगा पिक किया है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है। बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे ब्राइडल लहंगे भी लेके आओ जो कि अफोर्डेबल प्राइस में हो प्लस डिजाइनर हो। ये मैंने सेम कलर से पिक किया है ये वाले दोनों लहंगे, और एक और लहंगा मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर किया था, मे बी 3-4 दिन पहले वीडियो आया था उसका, पर्पल कलर का लहंगा था, वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। तो अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, जाके उसका भी रिव्यू चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वाले लहंगे को अगर आप लेना चाहते हो। इस सेलर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस लहंगे काफी ज्यादा डिजाइनर है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मीशो पे ये प्रोडक्ट एक ही बार स्टॉक में आते हैं, अगर खत्म हो जाते हैं आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद रीस्टॉक नहीं होते हैं। तो लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड इस तरीके का पैकेजिंग में ये देखने को मिल जाएगा, ये रेड कलर का लहंगा है। इस तरीके का आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइनर लहंगा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का ये पूरा लहंगा है, रेड कलर का लहंगा देखने को मिलेगा। एक तो आपको टू ब्राइड के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है, इन अफोर्डेबल प्राइस में पूरा डिजाइनर लहंगा है। ये है इसकी वेस्ट, वेस्ट पे आप देख सकते हो ना, ये पूरा जो इन्होंने लगाया हुआ है, ये सिक्वेंस लगाए हुए हैं, बड़े वाले सिक्वेंस यूज किए हैं, सिल्वर सिक्वेंस और फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और अच्छे से स्टिच किए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। बाकी नीचे वाले पार्ट में आपको पूरे में ये वाले फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ये इन्होंने फ्लावर्स अलग से इसमें लगवाए हुए हैं, प्लस बीच बीच में सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। ये पूरा काम है जो नेट फैब्रिक के ऊपर किया गया है, जिससे लहंगा इतना हैवी दिख रहा है, लेकिन मतलब अगर आप पहनोगे या फिर आप इसे परचेज करोगे तब आपको पता चलेगा बिल्कुल लाइट वेट है, क्योंकि इसमें नेट फैब्रिक इन्होंने यूज किया है। अंदर की साइड आपको टेफेटा सिल्क का फैब्रिक इसमें देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस एक डिजाइनर लहंगा है। फुल लुक आप साइड में देख लेना। वेस्ट है इसकी अप टू 42 से अप टू 44, जो कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। प्योर रेड कलर का लहंगा है, इसका फ्लेयर भी 3 मीटर से आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कैनकैन इसमें अंदर नहीं मिलेगी, तो अगर आप कैनकैन लगवाना चाहते हो ना, लगवा लेना, क्योंकि कैनकैन लगवाने के बाद ही इसका लुक प्रॉपर आएगा, या फिर आप कैनकैन स्कर्ट पहन लेना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। कैनवास इसमें अंदर दिया हुआ है एंड साटिन की लाइनिंग इसमें अंदर दी हुई है इस तरीके की। तो इस तरीके का आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा देखने को मिल जाएगा, जिसको भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको रेड और मैरून कलर में ही कोई लहंगा पिक करना है तो डेफिनेटली इस लहंगे को ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा न्यू है एंड स्टाइलिश भी लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ब्लाउज, इसका ब्लाउज इन्होंने फुल सिक्वेंस वाला ब्लाउज दिया है। इस तरीके का आपको ब्लाउज का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा,
रेड के ऊपर इस सिल्वर सीक्वेंस काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके का आपको ब्लाउज पीस देखने को मिलेगा जो कि 1 मीटर से भी ज्यादा है। तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके आराम से आ जाएगा। एंड यार बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा है, इतनी कम प्राइस में आपको डिजाइनर लहंगा मिल रहा है मीशो पे, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है। जब आप इसे स्टिच कराओगी ना पूरा ब्लाउज के साथ, कंप्लीट लुक इसका काफी ज्यादा अच्छा आएगा। इसमें आपको ब्लाउज के साथ साथ इन्होंने अंदर लाइनिंग के लिए भी फैब्रिक दिया हुआ है, जस्ट आपको अलग से लाइनिंग वगैरह का कपड़ा भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको इसमें रेडी मिल जाएगा, जस्ट आपको इसे स्टिच करवाना है। और इसमें आपको इस तरीके का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, 2.25 मीटर का इन्होंने प्रॉपर दुपट्टा रखा है नेट फैब्रिक में। एंड पूरे पे इन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, प्लस फ्लावर्स के ऊपर इस तरीके के आपको बीड्स देखने को मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो थी ये वाली साड़ी, साइड में इमेज दे दूंगी मैं। इसीलिए ना अभी आपको बहुत ज्यादा बोल रही हूँ कि प्लीज आप न्यू सेलर से कुछ भी परचेज मत कीजिए विदाउट रिव्यू एंड विदाउट रेटिंग। बिकॉज हो क्या रहा है, आप बोलोगे कि हमारे साथ ही ऐसा होता है या फिर यूट्यूबर्स को अलग से कपड़े मिलते हैं, हमें कुछ और मिल जाता है। मेरे साथ तो यार बहुत बार हो चुका है, मैंने हर वीडियो में बताया है। इस साड़ी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने साइड में इमेज लगा रही हूँ और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं परचेज नहीं करना चाहती थी, पर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने इसे पिक किया और मुझे ये साड़ी मिली है। पता नहीं क्या मिला है, बहुत ही बेकार सी साड़ी है। एंड प्लीज़ अगर आप ये वाली साड़ी परचेज करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी परचेज मत करना इस सेलर से, क्योंकि आप देख सकते हो ना ये कॉटन में पता नहीं किस तरीके की है, बस ये फैब्रिक दे दिया है जो कि बहुत ही गंदा है, कुछ नहीं मिल रहा। सोचा आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये ली और ये मिला है। तो मैं रिटर्न करने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा यार आपके साथ एक बार वीडियो में शेयर कर देती हूँ, बिकॉज होगा क्या बहुत सारे लोग मेरा रिव्यू नहीं आएगा तो ले भी लेंगे। तो मत लेना विदाउट रेटिंग एंड विदाउट रिव्यू, मत परचेज किया करो, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, फिर आप लोग बोलते हो। मैं ऐसे नहीं बोलती, मीशो पे सभी सेलर एक जैसे होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेलर भी इस तरीके के होते हैं कि आपको इस तरीके का फैब्रिक देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी लेना चाहते हो पहले रिव्यू चेक करो, रेटिंग चेक करो, मैं बार बार यही बोलती हूँ, देन आप परचेज करो। तो मुझे ये मिला है और मैं इसे रिटर्न कराने वाली हूँ, बिकॉज मैं क्या करूँगी इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया था, बट ये मुझे कुछ मिल और कुछ गया। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है बहुत ही सुंदर से क्राफ्टन स्टाइल कुर्तियाँ। एंड ये वाली सेलर की मुझे काफ़ी अच्छी रेटिंग भी लग रही थी, प्लस यार अफोर्डेबल प्राइस में लग रही थी कुर्तियाँ, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट लग रही थी और क्राफ्टन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें 2 पिक किए, 1 अभी मुझे मिली नहीं है और 1 मुझे मिल रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाली। एंड कुछ कलरफुल सी आपको इस तरीके की ये देखने को मिल जाएगी। मैंने इसमें एक ब्लू वाली भी पिक की है, वो आपके साथ मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। एंड सबसे अच्छी बात तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब समर्स के अकॉर्डिंग कॉटन एंड शिफॉन में मिक्स फैब्रिक है कुछ, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, जब आप लोगे ना काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल, हाँ इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के लेना। वैसे ही ये क्राफ्टन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं एंड इस तरीके की आपको ये कुर्ती देखने को मिल जाएगी। फुल लुक आप साइड में देख लेना, पहली बात तो मुझे इसका कलर प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। एंड आप इसे किसी भी जीन्स पैंट के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, मल्टी कलर है। इसकी भी रीसेलिंग प्राइस मीशो प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट करते रहना। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी, लेकिन इसको शेयर करने से पहले बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आ रहे हैं, मैंने सोचा बता देती हूँ आपको कि क्रॉप टॉप, मेरे जो क्रॉप टॉप्स हैं जिन्हें मैं साड़ी के साथ पहनती हूँ या फिर ब्लाउज हो गए, तो उनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1-2 दिन में मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, काफ़ी न्यू एंड डिज़ाइनर एंड लेटेस्ट कलेक्शन है, तो वीडियो मिस मत करना, बिकॉज फिर वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, तो कनेक्ट रहना। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये एक ज्वेलरी सेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड साइड में मैं इमेज दे दूँगी, एक तो पिक करने का रीज़न था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में था, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो इस तरीके का आपको ये वाला सेट देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये पूरा है ना, ये बीड्स लगाए हुए हैं एंड इतना हैवी लग रहा है कि ये पता नहीं कितना हैवी होगा, पहनने के बाद इरिटेट तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें पहनती हूँ या फिर पहनती हूँ ना बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि मेरे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड रैशेज हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ इस तरीके का ये नेकलेस है कि इतना हैवी रखने के बाद भी इतना लाइट वेट है, जैसे आपने हाथ में कुछ भी नहीं लिया हुआ है।
एंड इस तरीके का आपको यहाँ पे क्लोजर देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको इस तरीके का पेंडेंट देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड लुकिंग वाइज काफी अच्छा है। इसे आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो कैरी कर ही सकते हो, लेकिन एथनिक में साड़ी हो गई, कुर्तीज हो गई, उनके साथ भी कैरी कर सकते हो एंड काफी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें आपको दो छोटे छोटे से क्यूट से इयर रिंग देखने को मिल जाएंगे। ये है जो लास्ट मैंने पिक किया और आगे आपको और भी बहुत सारे ज्वेलरी देखने को मिलेगी। था आज का कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऑनली मेरी वीडियो देखते हो, फिर आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलते हैं। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, तभी तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग की वीडियो के लिए भी, एंड पर्सनली भी प्लीज आप मुझसे कनेक्ट रहिए। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके फॉलो करना मत भूलना। और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कॉमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली पसंद आएगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।